नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अरेंजमेंट बिल्कुल सही है भैया का, आराम से सही बेड है, सभी सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी आके सही है। देखे, एटमोसफेयर देख ले, एटमॉस्फेयर खाना है, वगैरह ट्राई कर लो। हाँ नहीं यही मतलब रहोगे अभी अभी जब तक ये पीजी चल रहा है, तब तक तो मैं यहाँ पे हूँ, तब तक तो यहीं पे रहूँगा। तक तो ये बेटर लग रहा है क्योंकि खाना पीना अच्छा है और रहने का भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अनिल रॉयल पीजी को, जो कि इंदिरा विकास कॉलोनी में है, और इसमें आपके लिए कई सारे ऑप्शंस है। इसमें आपको सिंगल में भी रूम मिल जाती है, डबल में भी है, ट्रिपल शेयरिंग रूम भी है, और प्लाई वाले रूम भी है, प्लस प्रॉपर रूम्स भी है, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग रेंट है 6,000 से आपको 10-12 हज़ार तक इसमें रूम मिल जाती है, और ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल पीजी है। अभी हम यहाँ रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए हैं, अभी यहाँ का जो मैनेजमेंट देखते हैं, हम उनसे भी थोड़े बातचीत कर लेते हैं, और उसके बाद हम पीजी के अंदर की माहौल देखेंगे और क्या रेंट है, क्या फैसिलिटीज़ है, और यहाँ का क्या माहौल है, कैसा सीट्स बने हुए हैं, हम सारे कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। जी आपका नाम? मेरा नाम लवी राणा। अच्छा, आपके ये जो पीजी है, ये पीजी किस कैटेगरी के लोगों के लिए है? ये जी मिडिल क्लास वालों के लिए भी है, उनसे जो कम जो बाहर से पुअर गरीब फैमिली से लड़के आते हैं उनके लिए भी है, सभी के लिए है, मतलब ज़्यादातर तो गरीब लोग ही आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आप लोगों के पास इसमें जी? क्या नाम? 3 टाइम का खाना है? नहीं, ऑप्शंस किस टाइप का सीट है? सिंगल, ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, तीनों का। सिंगल भी है, डबल की शेयरिंग भी है, ट्रिपल का भी है जी। और रेंट का क्या है? रेंट डबल की शेयरिंग का 6,000 रुपये है से स्टार्टिंग है, सिंगल की 7,500 रुपये की स्टार्टिंग है, और डबल ट्रिपल की शेयरिंग की 6,000 रुपये से स्टार्टिंग है। अच्छा, बाकी फैसिलिटीज़ क्या क्या है? फैसिलिटीज़ 3 टाइम का खाना है, खाना पीना है, RO का प्लांट लगा हुआ है, वाईफाई वगैरह हर फ्लोर पर, डेली साफ़ सफाई है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और जी हर चीज़ की फैसिलिटी देते हैं, खाने वगैरह की हर चीज़ की। टॉप फ्लोर पर मैस है PG में। ये जितने सारे आपने फैसिलिटीज़ बताया है, ये सारे कुछ रेंट में ही इंक्लूड है ना? जी सब, बिजली बिल भी उसी के साथ इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज? एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम टाइम देने। ओके जी, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे पीजी के अंदर और देखेंगे यहाँ के किस टाइप्स के रूम्स बने हुए हैं और स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस पीजी में क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा है, पीजी के दोनों साइड्स में खाली है, इस साइड में भी खुला हुआ है, गेट है सामने, और इस साइड में भी खुला हुआ है, तो इसमें सफिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो पीजी है बहुत ही लंबी पीजी है, मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है इसमें, जैसे कि हमें पता चला है इसमें 160+ सीट्स अवेलेबल है। तो हम एंट्री कर रहे हैं एक डबल शेयरिंग रूम में, और ये रूम आप देख सकते हैं बिल्कुल सेटअप है, और इसमें फुल फर्नीचर भी लगा हुआ है। इस रूम में अभी दो दो स्टूडेंट्स अवेलेबल भी है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आपका नाम क्या? नाम आकाश है मेरा भैया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा से हूँ भैया। अच्छा, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम आर्यन राज है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब बिहार में कहाँ से हो आप? मैं बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, कितने दिन हो गया इस पीजी में रहते हो? मैं तो अभी 10 दिन हुआ है आए हुए यहाँ पर। अच्छा, आप लोग दोनों एक साथ आए थे? नहीं, ये भैया पहले आए थे, ये जुलाई में आए थे, मैं इसी मंथ अगस्त में आया था, 21 अगस्त को इस रूम में। भैया आप अभी रह रहे हो, कितने दिन हो गया आपको? मैं 15 जुलाई से मेरा फर्स्ट था। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम 15 जुलाई को आया था। तो कैसा रहा इस पीजी का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा पीजी का एक्सपीरियंस। एक तो ना यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम बिल्कुल अच्छा है, और रूम भी एकदम बिल्कुल क्लीन है, और जो मतलब सबसे मेन मतलब होती है ना प्रॉब्लम यहाँ दिल्ली में पीजी में, वो होती है फूड की, फूड क्वालिटी की, ठीक है, वो सबसे बेस्ट मिली है यहाँ पे। अच्छा, फूड इसी पीजी में बनती है क्या? हाँ, फूड है, ऊपर 5th फ्लोर पर बनता है, ठीक है, और पानी बिल्कुल एकदम क्लियर मिलता है, अच्छा मिलता है, और जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई को नीचे बोल देते हैं ऑफिस में, वो मतलब कर देते हैं, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन? UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता आप नहीं। दोनों दो अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, भाई से भाई जो है वो मदद ही करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर मुझे पढ़नी होती है तो इनको अगर फ़ोन वगैरह आता है तो वो बाहर चले जाते हैं। अच्छा, ये सही है, मतलब आप दोनों का एडजस्टमेंट हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होता? फुल अंडरस्टैंडिंग की बात हो जाती है ना उसका। हाँ, वही बात हो जाती है, मान लो अगर ये कुछ काम कर रहा है तो फिर मैं उसको मतलब तो थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा, अगर ये पढ़ रहा है तो ऐसा हो जाता है पूरा। यहाँ इस रूम में ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती है? नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी तो, वैसे भी ठीक था, मतलब अच्छा, मतलब अभी मैं जुलाई में आया था तो जुलाई में तो काफ़ी गर्मी थी, तो ये रूम बाकी कंपैरेटिवली पीजी के एकदम क्लीन था, मतलब एकदम बिल्कुल शांत और ठंडा रूम था।
क्योंकि मेरे को कूलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। भाई ने बोला था कि कूलर ले लो, ठीक है, उसी मतलब जिस रेंट में मैं रह रहा था उसमें कूलर भी मतलब इंक्लूडेड था, पर फिर भी मैंने कूलर की मतलब वो ज़रूरत थी नहीं मेरे को कूलर की। तो आप इस पीजी में रहकर सेटिस्फाइड हो? हाँ बिल्कूल। फॉर एग्जांपल आपको अगर इससे भी बेटर पीजी मिले तो आप वहाँ मूव करोगे या फिर यही रहोगे? नहीं, बेटर पीजी मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोस्तों से मैंने मतलब जैसे पूछा है, जाना है, और मैंने जैसे मतलब अदर पीजी एक दो पीजी का खाना भी ट्राई किया है, तो उस हिसाब से मतलब सबसे मेन प्रॉपर होता है एनवायरनमेंट होता है, साफ़ सफाई होती है और खाना होता है, ठीक है, सबसे मेन तो यही है बेसिक, ठीक है। पानी तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है, भैया खुद का ले लो या फिर वैसे बोतल वगैरह में हो जाता है, लेकिन सबसे मेन है फूड का, फूड का एकदम बिल्कुल वो है, साफ़ सफाई में डेली बंदे आते हैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है, झाड़ू पोछा सब एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम होता है, बिल्कुल एकदम क्लीन रहता है। हाँ, और जगह जगह डस्टबिन है, मेरे पास भी डस्टबिन है, जैसे मेरा जो भी कूड़ा होता है फिर मैं डस्टबिन में लेकर रख देता हूँ, और फिर वो सुबह सुबह आते हैं और वो लेकर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम क्लियर करने तक और कोई पीजी में नहीं जाओगे? हाँ नहीं, यही रहोगे अभी जब तक ये पीजी चल रहा है, तब तक तो मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो यहीं पे रहूँगा। अभी आपका कोचिंग भी चल रही होगी? हाँ, कोचिंग चल रही है। किस कोचिंग में? मैं करियर विल में। तो चलिए, आप जैसे कि हमें पता चला आप फुल सेटिस्फाइड हो इस पीजी में रहकर, तो दूसरे जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, जो जिनको कंफ्यूज होता है कि कहाँ पीजी ले, कैसे ढूंढे पीजी, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि अगर मान लो कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आके देखे, एटमोसफेयर देख ले, खाना वगैरह ट्राई कर लो कि एक दो टाइम का, और बाकी पीजी से कंपेयर कर लो, अगर तुमको भाई बेटर लगे, और लगेगा ही 100% बात है, ठीक है, यहाँ पे मतलब एकदम शांत वातावरण है, जो स्टडी जो मतलब करने के लिए जो मेन है ना वो बिल्कुल सही है एकदम, मेन बात ये है। हाँ वही तो चाहिए स्टूडेंट्स, यही है, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम भी क्यों रुकते यहाँ पे। तो नीचे आप लोगों को दिखाया था एक प्रॉपर डबल शेयरिंग रूम, अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा है एक प्लाई वाली डबल शेयरिंग रूम जो कि लकड़ी की बनी होती है, तो इसमें आप लोगों को दिखाते आइए। ये जो है यह भी एक डबल शेयरिंग रूम है, इसमें भी दो दो बेड्स लगे हुए हैं, जो भी फैसिलिटीज़ है फैसिलिटीज सारे कुछ सेम है। इसमें एक साइड में वॉल लगा हुआ है और दो साइड में यहाँ वॉल लगा हुआ है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, और एक साइड में ओनली प्लाई लगा हुआ है। इस रूम का जो रेंट है वो है 6,500 पर मंथ, उसी में सारे कुछ इंक्लूडेड रहेगा, और जो प्रॉपर रूम दिखाया था डबल शेयरिंग में उसका है 7,000 रुपये पर मंथ, उसमें सारे फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है। अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा है ट्रिपल शेयरिंग रूम जो कि प्रॉपर है। अभी दोस्तों ये जो है ये एक ट्रिपल शेयरिंग रूम है जिसमें तीन तीन स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है, और ये प्रॉपर वॉल का है, और रूम भी आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है, बहुत ही स्पेशियस ये रूम है। पीछे की साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे की साइड ये अटैच वॉशरूम भी है, इस साइड में कूलर भी लगा हुआ है, और ये जो रूम है इस साइड में खुला है पूरा, इस साइड में भी दरवाज़ा है, उस साइड में भी दरवाज़ा है, इस साइड में बालकनी है, बालकनी वाला यह रूम है। प्रॉपर मतलब हर एक सुविधा इस रूम में अवेलेबल है, फर्नीचर भी है, तो यह स्टूडेंट्स भी अवेलेबल है। चलिए हम इनसे थोड़े बातचीत कर लेते हैं स्टूडेंट्स से। आपका क्या नाम है? हर्ष नाम भैया। आपका नाम क्या? आयुष भैया। आपका नाम क्या? आशीष शर्मा। अच्छा, आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? 2 महीने। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है? आरओ है भैया, आरओ का पानी, और यहाँ वाईफाई है, खाना भी अच्छा है काफ़ी, और भाई रूम भी अच्छे हैं वो। तो सही लग रहा है इस पीजी में? हाँ बिल्कुल अच्छा भाई। आपको क्या कहना है इस पीजी के बारे में? पीजी बहुत अच्छा भैया, हमने भी आसपास देख के बढ़िया देख के फिर ही लिया था, ये हर फैसिलिटी मिल रही है, सभी प्रॉपर जगह है, साफ सफाई सब कुछ है। ऑनर कैसा है? बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छा नेचर भैया का भी। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो साथ साथ सॉल्व होता है, तुरंत सॉल्यूशन। अच्छा बढ़िया। आप कुछ कहना चाहोगे इस पीजी के बारे में? सब बढ़िया है भैया, सब खाना पीना सब अच्छा मिलता है यहाँ। यहाँ का मेंटेनेंस कैसा है? मेंटेनेंस तुरंत होता है, जो भी बिगड़ता है तुरंत बनवाया जाता है। साफ सफाई, खाना पीना या फिर कोई भी चीज़ें कोई ख़राब होती है तो टाइम पे हो जाता है वो? हो जाता है तुरंत, जैसे कंप्लेन करो तुरंत होता है काम। अच्छा, किसी स्टूडेंट्स को सुबह जल्दी निकालना हो तो उसको टाइम पर खाना मिल जाता है? टाइम पर मिलता है, जैसे कोचिंग पड़ जाता है तो अपने लंच बॉक्स दे दो, पैक करके दे देते हैं किचन में। अच्छा, लंच बॉक्स वो किचन में रखना होता है, वो जो कुकिंग करते हैं वो पैक करके रखते हैं? पैक करके रख देते हैं। ठीक है, तो इस पीजी को आप दूसरे स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं? बिल्कुल भैया, एक बार आके देखो, बात करके देखो ओनर से, बिल्कुल बहुत अच्छा पीजी है भैया। भैया आप ट्रिपल शेयरिंग में रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अरेंजमेंट बिल्कुल सही है भैया का, आराम से सही बेड है, सभी सब कुछ फैसिलिटी सही मिल रही है हमें।
कूलर भी लगा हुआ है इसमें, है ना? हाँ, कूलर भी लगा हुआ। और ये बताओ, आप जो भी स्टूडेंट्स इस रूम में रह रहे हो, ये कहाँ से, एक ही जगह से हो या फिर अलग अलग स्टेट से हो? नहीं, हर अलग अलग है, लेकिन हम दोस्त हैं, वैसे हम मिले हुए हैं पहले, तो हरियाणा से ही सब। अच्छा, तीनों हरियाणा से? हाँ, झज्जर से। मैं, ये भाई भिवानी से है और हमारे जो पार्टनर हैं वो भी झज्जर से ही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये जो पीजी है, ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, अफोर्ड कर सकते हैं भाई इस रेंज तक। क्या रेंट दे रहे हो आप? मैं 6,000 रुपये भाई। 6,000 पर बेड, है ना? पर बेड। कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस तो नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं और भैया इसमें। सही है फिर उस हिसाब से। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी जो है दोस्तों, ये जो रूम है, ये एक प्लाई वाली सिंगल रूम है। एक साइड में ये वॉल लगा हुआ है और तीनों साइड और दो साइड में ये प्लाई लगा हुआ है। इस साइड में आप देख सकते हैं इनका कुछ स्टडी से रिलेटेड ये लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या? अभिषेक राज। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से हूँ, आजमगढ़ से। इस पीजी में रहते हुए कितना दिन हो गया है? लगभग 1 महीने हो गए। इस पीजी का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब रूम आप देख ही रहे हैं, खाना पीना है सब अच्छा ही है, 3 टाइम का खाना है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे। आप इस पीजी में रहने से पहले कोई और पीजी में रह चुके हैं? ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ, इससे पहले कहीं कोई पीजी में नहीं गया हूँ। और किसी पीजी में देखे नहीं? ना, ना ना ना। तो आपको यही पीजी बेटर लगा? अभी तक तो ये बेटर लग रहा है, क्योंकि खाना पीना अच्छा है और रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सही। आपको यहाँ दिल्ली में कितने साल रहने का प्लानिंग है? प्लानिंग का कोर्स कितने साल का है? अब भाई 2023 का मेरा प्लान है, तो फिर 2023 का आपका टारगेट है। कोचिंग किस में लिया आपने? कोचिंग अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं। कोचिंग नहीं लेना आपको? कोचिंग अभी हम ऑप्शनल की लूँगा, लेकिन अभी सेल्फ स्टडी दिसंबर से ऑप्शनल के बारे के लिए जो है, और टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग। और भी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि आप इस पीजी में रह रहे हो तो आप बता पाओगे, तो स्टूडेंट्स को इस पीजी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मतलब और इस एरिया में मतलब एक अच्छी पीजी है, फैसिलिटी प्रोवाइड सारी कराते हैं, वाईफाई, पानी और खाना 3 टाइम का, सारी चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ये जो पीजी है दोस्तों, दो पार्ट में बना हुआ है, ये इस तरफ भी रूम है, इस वॉल के उस तरफ भी रूम है। तो आइए हम अभी चल रहे हैं, ये लास्ट वाला जो रूम है, इस रूम में जो कि बालकनी साइड रूम है, आइए देखते हैं इस रूम का क्या माहौल है और कैसा है ये रूम। और यहाँ ये जो रूम है, ये भी एक डबल शेयरिंग रूम है, ये बालकनी साइड रूम है, जैसे कि आपको बताया है, इस साइड में बालकनी है, प्लस इसमें प्रॉपर खिड़की भी है और इसमें फुल फर्नीचर है। आप जैसे देख रहे होंगे, 4 टेबल प्लस बुक्स रैग, इसमें एक रैग्स और सामने दिया हुआ है, और ये अटैच बाथरूम के साथ भी है, पीछे बाथरूम भी है। और यहाँ अभी 2 स्टूडेंट्स मौजूद है, चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या भैया? भैया मेरा नाम नीतीश है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा से। आपका नाम क्या? पुलकित। आप कहाँ से हो? हरियाणा से, हिसार। अच्छा, दोनों क्लासमेट्स हो क्या? हाँ भैया, हम हिसार से हैं दोनों साथ में। कौन सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? भैया मैं SSC CGL की, जो दिसंबर में है। अच्छा, आप? मैं UPSC CDS। अच्छा, यहाँ के इस पीजी के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ रहकर आपको? भैया सबसे बेस्ट तो इसका ये है कि खाना बहुत बढ़िया है, मतलब मैंने दूसरी पीजी में पहले था उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट खाना इसका। अच्छा। और एक टाइम पे खाना मिलता है। दूसरा, इसका जो पीजी ओनर है भाई, वो बहुत अच्छा है, मतलब उसका बिहेव, और उसको अगर कोई भी मतलब भी कंप्लेन करनी हमें तो उसी दिन करवाता है वो, ठीक जो भी हमें ठीक करवाना है तुरंत सॉल्व हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्व करवाता है। पहले हमारे यहाँ एक लाइट थी, लाइट मतलब कम था, तो उसने दूसरी लाइट उसी दिन लगवा दिया, जो बोला लाइट चेंज कर दिया, उसी लाइट चेंज, दो लाइट लगवा दी भाई। सही है, पीजी ओनर बढ़िया भाई। आपको क्या कहना है? यही है सब, बाकी यहाँ अगर आपको सही लग रहा है? बहुत बढ़िया, सेटिस्फाइड हो आप? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा भाई, मतलब इसका जो रेंट है पीजी का, वो पीजी से कम है। कितना है रेंट भैया? अब 7,000 रेंट है इसका, बालकनी का रूम है ये। हाँ सही है उस हिसाब से, क्योंकि अटैच बालकनी है, कोई दूसरे पीजी में इस रेंट में नहीं मिलेगा, है कि दूसरे पीजी में इस रेंट में ऐसा रूम नहीं मिलेगा भाई। सही कह रहा हूँ। बाकी और भी जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो दूर दूर से है, जिनको पीजी लेना है, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? भाई मैं यही एडवाइस दूंगा कि ये मतलब पास में भी ज़्यादा दूर भी नहीं है कोचिंग सेंटर से, और दूसरा इसका मतलब
पीजी ओनर बढ़िया है, रूम बढ़िया है और साफ़ सफाई भी अच्छा रखते हैं, तो एक बार आके देख लें और अगर रूम लेना है तो यहाँ ले लें। ठीक है भैया, आपको कुछ कहना है हमारे व्यूअर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी हरियाणा से यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या फिर यहाँ इधर पीजी ढूंढ रहे हैं? आप एक बार देखो और बात करो, ओनर से बात करो और एक बार रह के देखो, खाना खुना खा के देखो, आपको अच्छा लगता है तो रहो, नहीं तो आपकी मर्जी। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं इस पीजी के टेरेस पे, ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, 160 प्लस सीट्स है। हमने कोशिश की है हर एक फ्लोर आपको अच्छे से दिखाया जाए और स्टूडेंट से भी बातचीत की है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, सभी से बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबी बन जाती है और बोरिंग भी हो जाता है, तो जितना हो सके हमसे हमने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कुछ भी रह गया हो आपके मन में, कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस पीजी को अगर ज्वाइन करना है आप जल्द से जल्द इस स्क्रीन पे दिए गए जो भी नंबर है उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।